हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का अपना लेक्चर है, आगे पॉइंट देखेंगे बेसिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। इसमें बात करेंगे हम डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका डिग्री का बात करेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम डिग्री। ठीक है, हम देखो इसमें कुछ पॉइंट है, आप उसको नोट करो, उसके बाद आप समझ जाओगे। इफ कार्बन इज बॉन्डेड विद कार्बन इज बॉन्डेड टू वन कार्बन, पर कोई कार्बन है और एक ही कार्बन से बॉन्ड है। ठीक है, या फिर या जीरो कार्बन, जीरो कार्बन से बॉन्ड है, मतलब तो वो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से बॉन्ड नहीं है, या एक ही कार्बन से बॉन्ड है, या तो एक कार्बन से बॉन्ड है या किसी दूसरे का एक ही किसी कार्बन से बॉन्ड नहीं है। वो ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है वो कहलाएगा आपको प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। और इसमें जैसे कि जैसे मान लो, सपोज कैसे मान लो, जैसे यहाँ लिखते हैं CH3, CH2OH। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे ये कार्बन जो है, ये कार्बन एक ही कार्बन से सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन भी एक ही कार्बन जुड़ा, इधर ऑक्सीजन है तो ये प्राइमरी कार्बन। ठीक है, वहीं पे एक ले लेते हैं आपको, जैसे कि CH3OH। तो इस केस में ये जो है एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ इधर तो ऑक्सीजन है, एक कहीं भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, जीरो कार्बन जुड़ा हुआ। तो इस केस में ये जो है वो 1 डिग्री कार्बन हो गया। और इसमें कोई दिक्कत, या तो जीरो कार्बन से, या तो यहाँ देखो जीरो कार्बन जुड़ा हुआ है, किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है प्राइमरी, या तो एक कार्बन जुड़ा हुआ प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इफ कार्बन इज बॉन्डेड टू दो कार्बन, तो उस केस में ये जो कार्बन है ये हो गया 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी। ये सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इफ कार्बन इज बॉन्डेड टू, ठीक है, बॉन्डेड टू 3 कार्बन, इस केस में ये कार्बन जो है 3 डिग्री कार्बन होगा या टर्शियरी कार्बन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ कार्बन इज बॉन्डेड 4 कार्बन, अगर ये कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है, ये 4 डिग्री या क्वार्टनरी कार्बन बोलेंगे, क्वार्टनरी कार्बन। ठीक है, और इसमें उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जो होगा ये डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज कनेक्टेड, टू विच इट इज बॉन्डेड, वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही उसी हाइड्रोजन का डिग्री होगा। और इसमें ये डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का हो गया। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपको डिग्री पहचानना है, ठीक है, कौन सा कार्बन किस डिग्री का है। जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, इसके बाद CH3OH, ठीक है, इसके बाद ये कुछ कंपाउंड है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा, ठीक, ये रहा ऑक्सीजन। ये कंपाउंड है,
चीज को ऐसे करते हैं। तो ठीक है, इसमें डिग्री बताओ। अरे कार्बन का डिग्री बताना। ठीक है, ये कार्बन दो, कितना कार्बन? एक कार्बन से लगाती है प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन दो कार्बन से 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन एक कार्बन से सिंगल प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन 0 कार्बन से तो प्राइमरी कार्बन। देखो ये कार्बन जो एक ये एक ये 2 कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन जो एक ये यहाँ की यहाँ 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन, ये देखो एक इधर कार्बन से, इधर कार्बन से 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी यहाँ देखो ये 1 डिग्री है, ये कार्बन जो है एक ये एक ये एक ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन एक यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन होगा, ये 1 डिग्री कार्बन होगा, ये देखो इधर नया कार्बन है, किधर 1 डिग्री कार्बन, ये 2 कार्बन से 2 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक जोड़ दो, ये कार्बन ये भी सिंगल प्राइमरी कार्बन होगा। देखो यहाँ पे ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन देखो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर तो 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन एक इधर प्राइमरी कार्बन, ठीक है, ये देखो एक इधर को ऑक्सीजन है, एक ही कार्बन से प्राइमरी कार्बन, ये देखो एक ही कार्बन से प्राइमरी कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे प्राइमरी आपको जैसे कि क्वेश्चन है CH3, ठीक है, CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH3, ये कंपाउंड गिवन है। ठीक है, इस कंपाउंड में क्या क्या पता करना है? पहली बात पता करना है यहाँ पे कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, टर्सरी हाइड्रोजन कितना है, और फोर्थ डिग्री हाइड्रोजन कितना है, ये पता इसे करेंगे। तो पहली बात, ये कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन 4 डिग्री कार्बन, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन 1 2 3 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन 1 2 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना होगा? प्राइमरी कार्बन 16 हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, इसका आंसर का 18। ठीक है, 3 डिग्री कितना है? एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 कार्बन हाइड्रोजन है, जो 3 डिग्री, यहाँ गलती कर दी, प्राइमरी यहाँ पे कितना था? प्राइमरी कितना हो गया? 18। 2 डिग्री कितना हो गया? देखो 2 यहाँ पे 2, एक ही एक कार्बन 2 डिग्री का, तो 2, इसका आंसर 2 हो गया। 3 डिग्री कितना? एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसका आंसर 2। अब क्वाटरनरी क्वाटरनरी हाइड्रोजन कहीं पॉसिबल ही नहीं है, 0, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंस ही होता है, 4 बॉन्ड ज़्यादा बनाएगा नहीं, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई दिक्कत। ये तो हो गया, आपको डिग्री कैसे पहचानते हैं अपन। ठीक है, आलस में डिग्री कैसे पहचानते निकाल लेंगे आप। ठीक है,